करेला, जहाँ तक मुझे पता है करेला किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन मेरे घर में करेला मुझे और मेरे परिवार वालों को सबको पसंद है। क्यों? क्योंकि इसकी एक सीक्रेट रेसिपी है, अगर इस तरह से बनाएं तो आपको करेले की सब्जी ज़रूर अच्छी लगेगी। आइए अब रेसिपी शुरू करते हैं। करेले का छील कर अच्छे से एक तरफ रख दीजिए और उनके छिलकों को भी हमें इस्तेमाल करना है, उसको भी अलग रख दीजिए। अब इन करेलों को दो हिस्सों में काट लीजिए। करेले छोटे होंगे तो और अच्छा होगा। अब करेलों के बीज अच्छे से निकाल कर अलग कर दीजिए। ये इस तरह से करेलों के बीज आराम से अलग हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी और आपके हाथ भी गंदे नहीं होंगे। एक तरफ से हमारा हिस्सा बंद रहेगा और एक तरफ से खुला रहेगा, इससे हमारा मसाला निकलेगा भी नहीं। और इन करेलों को बनने के बाद हम 10 से 15 दिन तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये मैंने सारे करेलों को छीलकर अलग कर लिया है और इसमें मैं डालूंगी नमक। नमक डालने से ये अपना पानी छोड़ देंगे और सॉफ्ट रहेंगे। नमक डाल के मैं इन्हें 2 से 3 घंटे के लिए अलग से रख दूंगी। 2 से 3 घंटे के बाद ये मैं इन्हें धोकर अपना तैयार करना शुरू करूंगी। तैयार करने के लिए मैं इनको करेलों को अलग रखूंगी और छिलकों को अलग करूंगी। अब एक कढ़ाई लेते हैं, कढ़ाई में सरसों का तेल लेते हैं। सरसों के तेल को गर्म होने के बाद इसमें हम अपने करेले के छिलके डाल लेंगे। उसमें डालेंगे नमक और उसको चला लेंगे। नमक से हमारे छिलके गल जाएंगे और अच्छे से पकना शुरू हो जाएंगे। अब इसको ढककर थोड़ी देर के लिए पकने दें। 2 से 3 मिनट बाद चलाएंगे तो ये छिलके बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। हमारी फ्लेम इसमें डालेंगे। अब हम थोड़ी सी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर मैंने मिक्स करके रखे हुए हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर, करी पत्ती पाउडर, और इसको बहुत हम अच्छे से चला लेंगे। अब हमें इस छिलकों का जितना भी पानी है उसको सुखाना है, इसलिए हम इसको चलाते रहेंगे। साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अचार। अचार चाहे आम का हो या मिक्स अचार हो, इसमें डालकर मिक्स अच्छे से कर लीजिए। अब ये दबा दबा कर सारा इसका पानी सुखा देती हूँ। पानी सुखाने से हमारे करेले लंबे समय तक चलते हैं और ये जल्दी ख़राब नहीं होते। ये मेरे करेलों का मसाला तैयार हो गया। अब इसमें थोड़ा सा स्वाद देने के लिए मैं डालूंगी इसमें किशमिश, जिससे ये खट्टे मीठे करेले लगेंगे, और इनको थोड़ा सा चला लूंगी। अब मेरा ये पानी सूखने लगा है तो मेरा थोड़ा सा ये मसाला तैयार होने लगा। गैस बंद करके मैं मसाला एक तरफ कर देती हूँ और अब अपने करेले भरना शुरू करती हूँ। देखिए, मैं चम्मच की सहायता से अपने करेले भर रही हूँ, इससे ना मेरे हाथ गंदे होंगे ना दूसरी तरफ से निकले। बस इनको अच्छे से मैं स्टफ कर दूंगी। सारे करेले बहुत अच्छे से दब के भर जाएंगे, इसका कोई मसाला नहीं निकलेगा और खाने में ये बिल्कुल स्वादिष्ट लगेंगे।
ढककर इसको सेम गैस पे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं। थोड़ी देर बाद ये करेले मेरे पकने लगे हैं। साइड में थोड़ा सा पानी है तो अब हम इसको चलाकर सुखा लेंगे। ये थोड़े थोड़े गलने शुरू करे हैं। अब इसमें मैं इसमें सरसों का तेल डालती हूँ। और इसमें जीरा, इसको वापस हम हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर, भुना जीरा और चला लेंगे। ये सारा पानी मैं इसको बंद करके सुखाने की कोशिश करूंगी। अब देखती हूँ हमारे करेले तैयार हैं या नहीं। इनको मैं दबा के देखूँगी, अगर ये सॉफ्ट होंगे तो ये करेले तैयार है। और ये बहुत सुंदर आकार लग रहा है और ये मसाला इनका निकलेगा भी नहीं। अब बिल्कुल कोन शेप में ये मेरे करेले हैं। किसी को सर्व करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे, खाने में भी और परोसने में भी। अब धीरे धीरे मेरा इनका पानी सूखने लगा है। इसको अच्छे से पानी सुखाकर करेले तैयार हो जाते हैं।